हे मानव, तुमने जप तप व संयम नहीं किया और ना ही कोई पुनित कार्य करके धर्म कमाया है, साधु संतों की सेवा नहीं की है तथा ना ही परमेश्वर को समरण किया है। हे नानक, हम मंद कर्मी जीव हैं, मुझ शरणगत की लाज रखो। सोहिल्ला राग गौड़ी दीप की महला पहला। सोहिल्ला इस वाणी की प्रथम पंक्ति में कीर्ति तथा पूरे शब्द में दो बार सोहिल्ला पद्य होने के महात्म्य के मद्देनजर ही इसका नाम सोहिल्ला विख्यात हुआ है, क्योंकि इनका अर्थ है यश। इसके अतिरिक्त इसे कीर्तन सोहिल्ला भी कहा जाता है, क्योंकि गुरमति मर्यादा अनुसार गुरुद्वारों में सो दर के पाठ के पश्चात शब्द कीर्तन होता है। कीर्तन के पश्चात आरती के शब्द तथा सोहिल्ला वाणी का पाठ होता है। इस वाणी के तीसरे शब्द गगन में थाल रवि चंद में आरती पद्य होने के कारण इसे आरती सोहिल्ला भी कहा जाता है। अतः इन सब में सर्वव्यापक एकमेव आदित्य अकाल पुरुष जी का गुणगान किया जाता है। इस वाणी का पाठ पहले पहल मध्यन काल दूसरी संध्या दोपहर में किया जाता था, किंतु एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी ने सेवा करते समय श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में से रक्त बहता देखकर कारण पूछा तो आप जी ने बताया कि आज एक भेड़े चराने वाला भेड़ों के पीछे पीछे श्रद्धा से सोहिल्ले का पाठ करता जा रहा था, जिसे सुनने हेतु हम भी उसके पीछे पीछे नंगे पांव चलते रहे तो मार्ग में कांटे हमारे पांव में चुभ गए। इस पर गुरु अंगद देव जी ने विनय की कि हजूर, इस वाणी का पाठ रात के समय करने की आज्ञा दी जाए। तब गुरु साहिब जी के आदेश से इस वाणी का पाठ रात को सोने से पहले किया जाता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीरत आखिए, करते का हो विचारो तित घर गावह सोहिल्ला, शिव रिहै सर्जन हारो। तुम गावह मेरे निर्भव का सोहिल्ला, हाँ बारी जित सोहिल्ले सदा सुख हो रहाऊ। नित नित जियड़े संभालिया देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार। सावंत साहा लिखिया मिल कर पावह तेल, देह सज्जन आसी सड़िया जय होवे साहिब से मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिये नानक से दिह आवन। जिस सत संगति में निरंकार की कीर्ति का गान होता है तथा करतार के गुणों का विचार किया जाता है, उसी सत संगति रूपी घर में जाकर सृष्टि रचयिता के यश का गायन करो और उसी का सिमरण करो। हे मानव, तुम उस भय रहित मेरे वाहे गुरु की प्रशंसा के गीत गाओ, साथ में यह कहो कि मैं उस सत गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसका सिमरण करने से सदैव सुखों की प्राप्ति होती है। रहाऊ हे मानव जीव, जो पालनहार ईश्वर नित्य प्रति अनेकानेक जीवों का पोषण कर रहा है, वह तुम पर भी अपनी कृपा दृष्टि करेगा। उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त पदार्थों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे तो अनंत है। इस मृत्यु लोक का त्याग करके जाने का समय निश्चित किया हुआ है, अर्थात इस लोक से जाने के लिए साहे पत्र रूपी संदेश संवंत है दिन आदि लिख कर नियत किया हुआ है, इसलिए
वाहे गुरु से मिलाप के लिए अन्य सत संगियों के साथ मिलकर तेल डालने का शगुन कर लो, अर्थात मृत्यु रूपी विवाह होने से पूर्व शुभ कर्म कर लो। हे मित्रों, अब शुभ आशीष दो कि सत गुरु से मिलाप हो जाए। प्रत्येक घर में इस साहे पत्र को भेजा जा रहा है, नित्य यह संदेश किसी ना किसी घर पहुंच रहा है, नित्य ही कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि हे जीव, मृत्यु का निमंत्रण भेजने वाले को स्मरण कर, क्योंकि वह दिन निकट आ रहे हैं। राग आशा महला पहला, छिये घर छिये गुर छिये उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक, जय घर करते कीरत होई, सो घर राख पड़ा तोई, रहाऊ विसुए चसिया घड़ियां पहरा, तिथि बारी मह हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते बेस, छिये घर छे शास्त्र सांख्य, न्याय वैशेषिक मीमांसा योग और वेदांत, छिये गुर इन शास्त्रों के रचयिता कपिल मुनि, गौतम ऋषि जी, कणाद ऋषि, जैमिनी ऋषि, पंतजलि ऋषि, आचार्य वेद व्यास जी। छह उपदेश इन शास्त्रों की अलग अलग मान्यताएं उपदेश, विसुए आँख के 15 बार फरकने के समान काष्ठा, चसिया 15 विसुए के समान चसा, घड़ियां 60 पलों की एक घड़ी किंतु 30 चसों का एक पल, पहरा 7.5 घड़ियों का एक पहर, 8 पहर का रात दिन होता है, 15 दिनों का एक पक्ष तथा 15 दिनों की 15 ही तिथियां होती हैं, 7 दिनों का एक सप्ताह जिनमें 7 बार होते हैं, 4 सप्ताह का एक माह होता है, 12 माह का एक वर्ष हुआ, सृष्टि की रचना में 6 शास्त्र हुए, इनके 6 ही रचयिता तथा उपदेश भी अपने अपने तौर पर 6 ही हैं, किंतु इनका मूल तत्व एक ही केवल परमात्मा है, जिसके भेष अनंत हैं। हे मनुष्य, जिस शास्त्र रूपी घर में निरंकार की प्रशंसा हो, उसका गुणगान हो, उस शास्त्र को धारण कर, इससे तेरी इह लोक व परलोक दोनों में शोभा होगी। रहाऊ काष्ठा चसा घड़ी पहर तिथि व बार मिलकर जैसे एक माह बनता है, इसी तरह ऋतुओं के अनेक होने पर भी सूर्य एक ही है। यह तो इस सूर्य के अलग अलग अंश हैं, वैसे ही हे नानक, कर्ता पुरुष के उपरोक्त सब सब रूप ही दिखाई पड़ते हैं। राग धनांसरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलान नो पवन चंबरो करे, सगल बनराई फुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत भैरी, रहाऊ सहस तन नैन 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 है तो हो, का सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध, बिन सहस तब गंध इब चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मह चानन होई, गुर साखी जोत प्रगट होई, जो तिस भावे से आरती होई, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनों मोह आही प्यास, कृपा जल देह नानक सारिंग, का होई जाते तेरे नाई बासा। प्राकृति द्वारा तैयार की गई आरती सामग्री का संकेत देते हुए सतगुरु जी का फुरमान है कि
संपूर्ण गगन रूपी थाल में सूर्य व चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, तारों का समूह जैसे थाल में मोती जड़े हुए हो। मल्य पर्वत की ओर से आने वाली चंदन की सुगंध धूप के समान है, वायु चंबर कर रही है, समस्त वनस्पति जो फूल आदि खिलते हैं, ज्योति स्वरूप अकाल पुरुष की आरती के लिए समर्पित हैं।